हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो दोपहर से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी ठंडी का सीजन है तो ज़्यादातर जो ब्लॉग है तो दोपहर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे इतने सारे अनार ली हूँ और आज है इनका उपवास। तो मैं सोच रही हूँ ना कि जूस बना दूँगी, और वैसे तो ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं तो, और जूस बनाने के लिए कम से कम इसी कटोरी से ना एक कटोरी जो है अनार का दाना होना चाहिए। तो छीलने में टाइम लगता है, अनार तो वैसे भी छीलने में टाइम लगता है, और एप्पल जो आता है ना वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अनार ना 15-15, 20-20 दिन पड़ा रहता है, ख़त्म नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस का फेवरेट है अनार। अनार तो मेरा फेवरेट है, बस मुझे जूस नहीं अच्छा लगता अनार का बनाने को। तो मैं जूस बना देती हूँ, इन लोग के लिए बना देती हूँ बच जो है। और आज तो हस्बैंड का उपवास है, तो ये गुरुवार की वीडियो है, आज ही इसको पब्लिश कर दूँगी शाम के टाइम। तो ये जो अनार है ना इकट्ठा मंडी से ला देते हैं, तो मंडी से जब लेते हैं ना तो ज़्यादा ही ला देते हैं, तो थोड़ा सा इसको छीलने में टाइम लगता है। और बच्चे भी नहीं छील पा रहे हैं आजकल, क्योंकि बच्चे को भी टाइम नहीं मिल रहा है। सुबह 7 बजे से स्कूल रहता है, फिर आते हैं 1:30 बजे, खाना पीना खाए और कुछ अपना स्कूल का लिखने पढ़ने वाला जो रहता है किए, और फिर 3 से 5 रिमेडियल रहता है, और फिर 5 बजे जब आते हैं ना तो फिर आएंगे, ड्रेस वगैरह उतारेंगे और फिर खेलने चले जाएंगे, फिर आएंगे वही अंधेरा हो जाता है खेल के आते हैं, तो फिर आएंगे अपना, फिर वही स्कूल का होमवर्क वगैरह करेंगे, और फिर शाम के टाइम फिर अनार भी नहीं खाएंगे, और फिर शाम हो जाता है तो होता है कि चलो खाना खा लो। और जो फ्रूट्स होते हैं ना तो ये सुबह के टाइम अगर खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और सुबह ये लोग खाते ही नहीं हैं, इतना जल्दी रहती है ना स्कूल के कि टाइम ही नहीं मिल पाता है कि कुछ खा लें। और एप्पल वगैरह तो ख़त्म हो जाता है, जैसे एप्पल धुल के दे दिए ज़बरदस्ती, तो बोलती हूँ कि लेते जाओ रास्ते में अपना खाते चले जाओ, तो एप्पल तो ख़त्म हो जाता है लेकिन अनार रखा रहता है। तो यहाँ पर मैं जूस बना दी हूँ, और खाना पीना मेरा बन गया था, तो ये जो गैस है ना जूठी हो गई थी, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा पानी का छींटा मार दी हूँ और फिर कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी। और सिंक में देख रहे हैं अभी कुछ बर्तन भी पड़े हुए हैं, और 2 कप हैं चाय पिए थे अम्मा बेटे, तो बड़ा वाला ही कप यूज़ करते हैं, बड़ा वाला कप निकला हुआ है, और छोटे वाले जो कप होते हैं ना उसको कार्टून में करके ना वैसे ही रख दी हूँ कि जब कोई आता है तो निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर उसी में वो पड़ा रहता है। और ये जो दूध वाला कप है ना तो हमेशा मतलब कि यूज होता रहता है, तो उसी में हम लोग चाय भी पी लेते हैं और दूध भी पी लेते हैं, तो इसलिए छोटा वाला रखा रह जाता है। तो कप को मैं धुल के रख दूँगी, कप मैं सिंक में नहीं डाल के रखती हूँ, हमेशा मैंने बच्चों से बोल के भी रखा है कि कप को सिंक में मत डाला करो, बाहर ही रखते हैं, और बाहर रखते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो अगर हम बर्तन में ही कप को डाल देते हैं ना तो फिर कप जो है बहुत ज़्यादा टूटते हैं। फिर भी अभी 2-3 दिन पहले एक कप टूट गया था, बस मैं बर्तन ऐसे धुल रही थी और किनारे पे रख दी, हाथ लगा और नीचे ढनक के चला गया तो और टूट गया, और वो कप बहुत अच्छा था और बहुत दिन से चल भी रहा था, शायद 4-5 साल हो गए। मैंने उसको फर्स्ट बार खरीद के लाया था, गुड़िया मेरी बहुत छोटी थी तब लेके आई थी कि उसको दूध पीने के लिए, पहले मैं जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना अंदर से स्टील लगा रहता है, तो पहले तो मैं उसको लेके आई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने देखा, बोला कि नहीं ये प्लास्टिक वाले में मतलब गर्म चीज़ें नहीं पीते हैं, दूध हुआ चाय हुआ, तो फिर वैसे ही रखा रहा। फिर आते समय मैं उसको बाइक को दे के आ गई थी, और इसको फिर मैं जब ये बोल दिए ना तो फिर मैं मार्केट गई, तो फिर लेके आई थी 2 कप, तो वो दोनों कप जो इकट्ठा लाई थी ना दोनों बेचारे टूट गए। तो यहाँ पे मैं मूँगफली भून लूँगी इनके लिए, क्योंकि गैस वैस साफ़ कर ली,
और मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी वीडियो बने, लेकिन छोटी वीडियो बनते ही नहीं है। और मैंने सोच लिया है कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊँगी, और बल्कि उसी जितना मैं शूट किए रहूँगी 12-13-14 मिनट की जो ब्लॉग होता है बनाती हूँ, तो उसी में मैं 2-2, 3-3 वीडियो एडिट करके डाल दिया करूँगी। और मेरा चैनल जो है इतना दिन का हो गया ये दूसरा वाला, तो इस पर एक भी वीडियो वायरल नहीं होती है। जैसे वायरल जब शुरू होती है ना, तो कुछ ही देर चलती है, 1-2 दिन चलती है, व्यूज अच्छा आता है, उसके बाद फिर रुक जाती है। तो ऐसे अचानक से रुक जाएगी और वायरल नहीं जा रही है। अगर एक भी वीडियो वायरल चली जाती है ना, तो फिर चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। और पुराना वाला तो बहुत जल्दी ग्रो हो गया था, उस पर भी लगभग 1.5 साल लग गए थे ग्रो होने में, और इस पर भी 1.5 साल मुझे हो गए हैं काम करते हुए।